हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। और जस्ट मैं अभी पूजा में लग गई हूँ, क्योंकि सुबह 6:30 बजे मैं उठ गई थी। और उसके बाद मैं छत पे गई थी और अपने गार्डन से फूल तोड़ के लाई। और इधर मैं पूजा की तैयारी में लग गई हूँ, और पूजा मेरा थोड़ी देर में ख़त्म भी होने वाला है। और धीरे धीरे है ना, मैंने सारी तैयारियां पहले ही से कर चुकी थी। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे गार्डन का ये सारा फूल है, और अपने गार्डन का फूल से है ना पूजा करने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कहीं बाहर से मैंने मंगाया नहीं है। तो इधर हमारा पूजा ख़त्म होने वाला है और उसके बाद मैं चली जाऊँगी किचन में और उधर की तैयारियाँ करूँगी। तो इधर मैं आज बनाने जा रही हूँ गोभी की सब्ज़ी। तो जिसके लिए मैंने इसे का छिलका है ना अच्छी तरह से उतार कर धो लिया था और इसे बॉयल कर लिया था, फिर उसे मैं फ्राई कर रही हूँ। तो इसे मैं फ्राई 2-3 मिनट तक इसी तरह चलाती रहूँगी, और धीरे धीरे है ना इसे इसी तरह से ढक ढक कर मैं फ्राई करती रहूँगी। और इधर जब तक है ना ये फ्राई हो रहा है गोभी, तो मैं कुछ और बातें कर लेती हूँ, क्योंकि ये जो गोभी है ना मैं मार्केट से लाई थी तो काफ़ी है ना अच्छे मिल गए थे। क्योंकि है ना इस सीज़न में तो जैसे कभी क्या होता है कि थोड़ा है ना हल्का फूल रहता है और ज़्यादा पैसे भी लग जाते हैं और अच्छा चीज़ मिलता नहीं है, मगर मैंने मार्केट से लाया तो बहुत अच्छे मिल गए थे और काफ़ी अच्छा लग रहा था। और इसे मैं हमेशा जैसे कभी भी मैं बनाती हूँ तो इसे सबसे पहले इसे बॉयल कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें जितने भी कीड़े वगैरह रहते हैं वो हट जाते हैं। और उसके बाद इसे मैं अच्छी तरह से धो लेती हूँ, तभी मैं फ्राई करती हूँ। और आज जैसे कि मैंने बताया कि हमारे गार्डन में ना काफ़ी फूल थे, और उसे तोड़कर मैंने लाया और अच्छी तरह से है ना मैंने पूजा किया, और अच्छा लगता है। मैं 2-3 तरह का है ना पेड़ मैंने लगाया है और उसमें फूल होने लगे हैं। और इधर मैं इसी तरह से इसे धीरे धीरे है ना चलाती रहूँगी, तो ये जब तक अच्छी तरह से है ना फ्राई हो जाते हैं तो इसे मैं एक बर्तन में निकाल लूँगी। तो इधर इसी तरह से मैं ढक ढक कर चलाती रहूँगी, तो ये अच्छी तरह से है ना फ्राई हो चुका है। और इसे एक बर्तन में मैं धीरे धीरे निकाल लेती हूँ। और इसकी सब्ज़ी है ना मैं 2-3 तरह से बनाती हूँ, कभी तो बिरयानी का भी बनता है और कभी तो बिना लहसुन प्याज का भी मैं बनाती हूँ, और कभी प्याज डाल के मैं भी बनाती हूँ। अब इसमें मैं क्या करूँगी, तेल को अच्छी तरह से है ना गरम ही है, और उसमें आलू मैं फ्राई कर दूँगी। और आज मैंने इसका छिलका नहीं उतारा है, क्योंकि छिलका वाला है ना जब भी बनता है आलू तो काफ़ी अच्छा इसका टेस्ट आता है, तो इसीलिए मैंने इसका छिलका नहीं उतारा है। और इसी तरह मैं इसे 2-3 मिनट तक चलाती रहूँगी, क्योंकि इसे अच्छी तरह से मुझे इसे भी अब ये भी फ्राई हो गया है, तो इसे भी मैं एक बर्तन में निकाल लेती हूँ। तो ये अच्छी तरह से है ना लाल हो गया है, और इस दोनों को है ना मिक्स कर कर कभी मैं फ्राई नहीं करती हूँ, क्योंकि ये है ना अलग अलग करती हूँ कि अच्छी तरह से ये फ्राई हो जाए। और इधर मैं सभी अब इधर मैं तेल को है ना थोड़ा सा और ऐड करूँगी, और उसके बाद अच्छी तरह से इसे गर्म होने दूँगी, और उसमें इसका तड़का लगाना होगा। तो इसके लिए मैंने लिया है तेज पत्ता मैं लूँगी और पचफोरन लूँगी, और इसे मैंने डाल दिया है, और इसे अच्छी तरह से है ना तड़का मैं लगा लूँगी। और उसके बाद इसमें प्याज को मैं डालूँगी।
और इसके बाद मैं ऐड करूँगी इसका तड़का अच्छी तरह से। इसमें मैंने ऐड किया है हींग, तो इसे भी थोड़ा तड़कने दूँगी। और इसमें मैंने प्याज ऐड कर दिया, इसे अच्छी तरह से मैं फ्राई कर लूँगी धीरे धीरे। और इसे मैं 2-3 मिनट तक इसी तरह से है ना चलाती रहूँगी, और उसके बाद मैंने इसमें सारे मसाले ऐड करूँगी। तो जितने भी मसाले हैं ना हमारे घर के होते हैं, जो मैं घर ही में बनाती हूँ, तो मैंने इसे दिखाया नहीं। सारे मसाले मैंने ऐड इसमें कर दिए, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और लहसुन अदरक का पेस्ट। इसे अच्छी तरह से है ना भूंज लूँगी जब तक इसका तेल नज़र नहीं आए, तब उसके बाद मैं इसमें आलू ऐड करूँगी। तो इधर आलू और गोभी दोनों को मैं ऐड कर दिया है, और इसे दोनों को मिक्स कर अच्छी तरह से इसी तरह मैं चलाती रहूँगी, क्योंकि इसका मसाला अच्छी तरह से पक जाना चाहिए, तभी इसमें मैं पानी ऐड करूँगी। तो दोनों को है ना अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर दिया है, और इसे कम आंच पे मैं धीरे धीरे फ्राई करूँगी। और इसका काफ़ी टेस्टी सब्जी बनता है, और चाहे पूरी के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए, या चावल के साथ खाइए, क्योंकि काफ़ी अच्छा बनता भी है। और इसे मैं धीरे धीरे इसी तरह से ना चलाती रहूँगी। मैंने कसूरी मेथी डाल दिया है, और इसे मैं अच्छी तरह से पका लूँगी। और इधर मैंने आटा अच्छी तरह से तैयार कर लिया था, और इधर मैं पूरी की तैयारी करने में लग जाऊँगी। तो इधर हमारा रिफाइन अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा, जब तक इधर मैं पूरी बेल लेती हूँ, और धीरे धीरे एक एक कर कर इसमें मैं डालूँगी और अच्छी तरह से इसे फ्राई कर लूँगी। तो गोभी आलू की सब्ज़ी के साथ है ना पूरी खाने में, और उसके बाद मैं बनाने जाऊंगी तड़का। तो देखिए मैं एक एक कर कर, हमारा रिफाइन अच्छी तरह से गर्म हो गया था, तो इसे मैं एक एक कर कर पूरी को फ्राई कर लूँगी और निकालती जाऊंगी। क्योंकि है ना तेल हमेशा गर्म हो जाए तभी आप इसमें डालें, और खिली खिली पूरियाँ बनती है एक एक कर कर। तो इधर हमारा पूरी भी है ना अच्छी तरह से तैयार हो रहा है, और उसके बाद मैं एक तरफ मैंने पहले से तड़के की भी तैयारी कर चुकी हूँ। तो जिसके लिए मैंने प्याज टमाटर धनिया का पत्ता वगैरह सब चीज़ को मैंने काट कर रख लिया है। तो इधर मैं पूरी को पहले फ्राई कर लेती हूँ। बनकर रेडी हो गया है, और इधर मैंने लिया है चॉप किया हुआ प्याज, मैंने काट लिया है, टमाटर काट लिया है, धनिया का पत्ता काटा है, अदरक काटा है, लहसुन काटा है, और ग्रीन चिल्ली को भी मैं चॉप कर कर अच्छी तरह से रख लिया है बारीक बारीक। और ये सब मैं तड़के में दूंगी, और इधर मैं इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेती हूँ। तो तेल में मैंने सारे चीज़ को ऐड कर दिया है। मैंने क्या किया था कि तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया, और उसके बाद मैंने इसमें जीरा, तेज पत्ता, खड़ा मिर्च को डाला है, और उसके बाद ग्रीन चिल्ली को भी मैंने ऐड किया है, लहसुन अदरक सबको मैंने डाला है, और इसे धीरे धीरे इसी तरह से मैं फ्राई कर लूँगी। और उसके बाद प्याज डालूँगी,
और उसके बाद टमाटर। दाल मैंने पहले से ही पका लिया था, उसे मैं साइड में ठंडा होने के लिए रख दिया है। तो इधर हमारा फ्राई धीरे धीरे हो चुका है प्याज को, तो इसमें मैं ऐड करूँगी टमाटर और इसे भी मैं 2 मिनट तक इसी तरह से चलाती रहूँगी। और काफ़ी इसका टेस्ट आना बहुत अच्छा लगता है जब बन जाने पे, तो इसे मैं 2-3 मिनट तक इसी तरह से मैं चलाती रहूँगी। इसे 2 मिनट तक ढकना है मुझे अच्छी तरह से। फिर उसे मैं डाली हूँ मैं धनिया का पत्ता, और उसके बाद मैं ऐड करूँगी दाल पका हुआ। तो ये बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है, सिर्फ इसमें मैं पानी ऐड करूँगी अच्छी तरह से, और धीरे धीरे इसे मैं चलाती जाऊँगी। और जब तक ये बॉयल होगा और बनकर ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा 2-3 मिनट में, तो इसे सिर्फ मुझे धीरे धीरे इसे चलाते रहना है। तो इसे जितना मुझे ग्रेवी रखना है उसी के अनुसार मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, और इसे मैं धीरे धीरे कम आंच पर ही मैं इसे बॉईल करूँगी, क्योंकि ये अच्छी तरह से है ना पक जाए। और इसमें मैंने जो गरम मसाला ऐड किया है इसका भी स्वाद इसमें आ जाए। और उसके बाद मैंने ऊपर से मैंने डाला है जीरा का पाउडर, जो इससे काफ़ी टेस्ट है ना अच्छा हो जाता है। तो इसे मैं 2-3 मिनट तक इसी तरह से है ना चलाती रहूँगी। और इसमें मैंने ऐड किया है स्वाद के अनुसार नमक, और हमारी पूरी सब्जी और दाल का ये तड़का मैंने बनाया है चने की दाल का, जो अच्छी तरह से बनकर रेडी हो चुका है। सिर्फ इसे मैं 1 मिनट तक और इसे अच्छी तरह से पकने दूंगी। और आप लोग किस तरह से बनाते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हमारे यहाँ इसी तरह से बनाया जाता है, और ये बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। सिर्फ इसे मुझे देखना यही है कि इसका ग्रेवी कितना है, और ये बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। तो आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा, और आप लोग भी कैसे बनाते हो ये कमेंट में ज़रूर बताना। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा, आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, बाय।